डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 8 मार्क का नहीं आएगा तो 4 मार्क का, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट या नेचुरल सोशल या कभी कभार पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सो इंडिविजुअल या दो का सेट 4 मार्क का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा 8 मार्क का, तो डायरेक्टली इससे पहले तो एक चार्ट ड्रॉ करना, ठीक है? मैं एक एक करके अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एटलीस्ट 30-40 तो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट एग्जाम में आप शुरू करोगे इंट्रोडक्शन से, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको आप ए बोलना, ठीक है? 2 लाइन चलेगा। उसके बाद बी मीनिंग, ये 2 लाइन, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट जो माहौल में आप रहते हो, मतलब जो माहौल बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करता है और एनवायरनमेंट बिजनेस को असर करता है। और ये एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, सोशल, कल्चरल, नेचुरल, ठीक है? सी होगा आपका डेफिनेशन, ये 2 लाइन का डेफिनेशन लर्न करना। और फिर आपका डी बनेगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है? तो डी एनवायरमेंट में सबसे पहले आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट है, जो कंट्रोलेबल है। अब ये इंटरनल एनवायरमेंट कंट्रोलेबल क्या है? आप अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अपने कस्टमर को नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर बाहर है, एक्सटर्नल है। तो आपका जो इंटरनल एनवायरमेंट बनता है कंपनी का, वो कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या है? टॉप मैनेजमेंट, द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड दोज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट हैज इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ बिजनेस। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आप जो अमूल या पतंजलि, पतंजलि का वैल्यूज क्या है? कि बॉडी में केमिकल नहीं डालना है। क्या एग्जाम्पल है पतंजलि का? कि वो लोग नेचुरल। सो इफ यू चेक आउट, आई थिंक पतंजलि का इधर एग्जाम्पल लिख देना, कि उनका वैल्यूज है मानवीय शरीर आयुर्वेदा की मदद से हम जी सकते हैं अच्छे तरीके से। उनके साबुन से लेकर कितने सारे प्रोडक्ट्स है, तो उनका वैल्यू फाउंडर योग गुरु है ना, रामदेव बाबा। तो पतंजलि का वैल्यू सिस्टम है कि वो लोग केमिकल नहीं डालेंगे कोई भी प्रोडक्ट में, ठीक है? तो इसलिए लोग भरोसा करते हैं। दूसरा, विजन, मिशन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स लेट अस अंडरस्टैंड। आपका मैं अमूल का ये बताता हूं। अमूल 20,000 करोड़ का ब्रांड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इनका ऑब्जेक्टिव होगा साल में, ऐसा सोचो कि 50,000 किलो बटर बेचना, ठीक है? ये क्या होगा उनका ऑब्जेक्टिव? तुम गिन सकते हो, तुमको 90% लाना है, वो क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव? एक्चुअली विजन क्या है अमूल का? कि ऐसा सोचो, पूरे देश में कोई भी भूखा रहना नहीं चाहिए। तो उनका विजन है कोई भी भूखा रहना नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने मिशन बनाया है कि एट ऑप्टिमम प्राइस, सस्ते में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग देंगे। विजन है कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो सस्ते दाम में हम लोग बेचेंगे हमारे प्रोडक्ट्स। और टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है ये सब चीज से भी तुम्हारा बिजनेस का असर होता है, ठीक है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। अब ये होता क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में इफ यू टेक कुछ कंपनीज, जैसे अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। टेक्निकल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? लेवरेज। और फर्क देखो अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी में। अडानी ग्रुप का मैनेजमेंट स्टाइल और स्ट्रक्चर, ढांचा जो है वो, या नेचर जो है वो थोड़ा सा कर्जा लेने का है अडानी ग्रुप। मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था, उन्होंने पूरा लौटा दिया। और अडानी ग्रुप का भी शेयर्स के दाम गिरे, क्योंकि कर्जा ज्यादा लिया है तो रिस्क बढ़ता है, तो लोग डर गए, इसलिए थोड़ा रेट गिरा। फ्रॉड नहीं हुआ है अडानी ग्रुप। फिर इंटरनल पावर एंड रिलेशनशिप कैसा है? कि अब जैसे क्रिकेट टीम ही ले लो, क्रिकेट टीम में दो लोग को कैप्टन बनना है, तो पावर स्ट्रगल में टीम को नुकसान होता है। समझ में आ रहा है? तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट तुम्हारे कंपनी को असर करेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल, मुकेश अंबानी
और अनिल अंबानी भाई थे, डू यू एग्री, है। तो दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो दोनों अलग हो गए। बोलते ना, एक तलवार एक ही म्यान में एक ही तलवार आ सकता है। तो कई बार इंटरनल पार रिलेशनशिप कैसा है, तुम लोगों ने अपना लीडर स्वीकारा है, कोई दूसरा लीडर नहीं है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तो कंपनी ठीक दिशा में जाएगा। दो दो लीडर है, आपस में झगड़ा हो रहा है, तो कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, SRK, शाहरुख खान नहीं है, श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स है, ये डायमंड की कंपनी है। ये लोग को एक आदमी नया आता है, ट्रेन करने को 10 लाख रुपया लगता है डायमंड का ट्रेडिंग के लिए। कितना लगता है? 10 लाख। तो ये लोग क्या करते हैं, डायमंड बहुत हाईली स्किल्ड बिजनेस है। गोल्ड में ज्यादातर कारीगर आपको कलकत्ता के मिलेंगे, डायमंड के आपको ज्यादातर कारीगर सूरत के मिलेंगे, खाना बनाने के ज्यादातर कारीगर आपको राजस्थान से मिलेंगे। तो जो SRK कंपनी में एम्प्लॉयज है, बीच में उन लोगों ने 450 फॉर्ड कार दिए थे, बीच में उनको घर बंगले दिए थे, मतलब फ्री ऑफ चार्ज। तो आप सोचो, आप ह्यूमन रिसोर्स है, आपको घर दिया जा रहा है, 20 साल का आपको EMI भरना नहीं है, आपको कार दी जा रही है, आपको मर्सिडीज दी जा रही है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लोग पूरे लगन से काम करते हैं। यदि आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेडिकेटेड है गूगल की तरह, तो आपको बहुत कंपनी आगे लेके जाएंगे। जो भी वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज है, तुम्हारा एप्पल, ये सबके ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग इंटरव्यू ही चार चार पांच पांच बार लेते हैं, तब जाकर सेलेक्ट करते हैं। कुछ टेस्टिंग होता है, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे क्वेश्चनेयर, तब जाकर ये लोग सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट से ये लोग चुनते हैं, ठीक है। सो ये आई होप यू अंडरस्टैंड, इंटरनल फैक्टर्स तुम्हारे बिजनेस को असर करेगा। आपका संपत्ति क्या है, आप मार्केटिंग कैसे करते हो, कितना पैसा आपके पास मार्केटिंग का है, आपके पास पैसा कितना है, ये सारे चीजें इंटरनल है और ये आपके कंट्रोल में है। आप कितना एड बजट कितना है, आप पूरा का पूरा तो एड भी नहीं उड़ाओगे, बट एक बजट होगा। तो ये इंटरनल सिस्टम्स है, इससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और पैसा कम रहा तो एडवर्टाइजमेंट मत करो, सर्वाइव करो, ठीक है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन आएगा, एम्प्लॉय आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे जो विद इन द कंपनी है, शेयर होल्डर्स आएंगे, मैनेजमेंट आएगा। अब ये नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके पूरे मिलाकर मैं आपको कम से कम 20 एग्जाम्पल देने वाला हूँ अलग अलग फैक्टर्स के। शुरू करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ सबसे पहला एग्जाम्पल, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है। आप इंडिया में कितने स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है, कितने विलेजेस है, 6 लाख विलेजेस है। लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल ऑफ वाइन, सुला वाइन। आपको वाइन सुनकर कितना अच्छा लगता होगा, सर रेड वाइन ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। सुला इज द नंबर वन वाइन मेकर इन इंडिया, ठीक है, नंबर वन। बट उसके पास टेक्नोलॉजी है, बट सुला को पूरा सपोर्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का। क्यों? सुला नासिक में इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रेप्स बनता है, और सुला वाइन्स कहाँ पे, नासिक में। नेचुरल फैक्टर्स, यही सुला वाइन्स मुंबई या कलकत्ता में होता तो कैसे चलता है, नहीं होता, क्लाइमेट कंड्यूसिव नहीं है ग्रेप्स के लिए महाराष्ट्र का, खास करके नासिक। तो नेचुरल है। अच्छा एक और है, तुमने सुना होगा लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है, एशिया। नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, महाबलेश्वर इज फेमस फॉर स्ट्रॉबेरीज, कश्मीर इज फेमस फॉर एप्पल्स, शिमला एप्पल्स के लिए फेमस है, ठीक है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट वो ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने देश में डायमंड ज्यादा निकलता नहीं है, मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहां पर डायमंड थोड़े निकलते हैं, राजस्थान में थोड़ा सा पेट्रोल निकलता है। पेट्रोल कहाँ है, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, कुवैत, कुछ हद तक अमेरिका, ठीक है ना। उनके नेचुरल एनवायरनमेंट फेवर करते हैं। एक और चीज है, सबसे ज्यादा डायमंड और गोल्ड कहाँ से आता है, साउथ अफ्रीका, नेचुरल गिफ्ट है साउथ अफ्रीका वालों को, तो वहां से आता है। तो नेचुरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो सपोर्ट करता है। एक और आपको बात बताता हूँ, आपके
स्टील के जो या शिप के कंपनीज हमेशा नदी के बाजू में रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है, शिप से भेज सकते हैं। तो जो आपके मिनरल्स है, जो रिसोर्सेज है, अच्छा इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में मसाले के लिए, और सबसे ज्यादा मसाले का मार्केट कहाँ पे है? दिल्ली में, लेकिन निकलता कहाँ पे? केरला, साउथ इंडिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, लेकिन एक नुकसान और दिक्कत ऐसा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से आउटपुट कभी कभार असर होता है। चावल, वर्ल्ड का 40% चावल इंडिया से जाता है, वर्ल्ड का 40% चावल इंडिया में, मेन मध्य प्रदेश और तुम्हारे नॉर्थ साइड में, लेकिन ज्यादा पौष्टिक चावल बैंकॉक का माना जाता है, थाईलैंड का। अच्छा मैंगोज में आई थिंक अपन वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन इस साल एक प्रॉब्लम हुआ, मैंगो का पेड़ भले कड़वा रहे, लेकिन मैंगो क्या रहता है? मीठा रहता है, लेकिन मैंगो जिस फूल से बनता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये साल मैंगो का आउटपुट कम आया, क्योंकि फूल गिर गए गर्मी की वजह से। सो डू यू एग्री, पोल्यूशन और इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से कम होता है। फिशिंग भी तो कम हो गया है, कोकन मालवन साइड जाओगे तो क्या मिलेगा? फिशिंग। इंडिया आई थिंक वर्ल्ड नंबर टॉप 5 में है फिशिंग में, फिशरीज बहुत बड़ा धंधा है कोकन मालवन, लेकिन वहां पे भी फिश कम हो गए, ओवर फिशिंग कर दिया ना। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, अब सोशल एनवायरनमेंट इंडिया में तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्यों? क्योंकि डू यू एग्री, क्लास स्ट्रक्चर, कैसा एक क्लास बन जाता है, एडुकेशन का, इनकम लेवल का, सोशल स्टेटस, भेदभाव। तुम देखो जो भी समुद्र किनारे है मुंबई में, फ्लैट्स की कीमत कितना है? 50 करोड़, 100 करोड़, सिर्फ रईस लोग रह सकते हैं वहां। तुमने सुना होगा बॉलीवुड सितारे ने 100 करोड़ का फ्लैट खरीदा, कहाँ? जुहू बीच के इधर, या शाहरुख खान कहाँ रहता है? बांद्रा में घर देखा है मैंने, मन्नत, उसके सामने ही समुद्र है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स का घर समुद्र, ना आम आदमी ले नहीं सकता। तो सोशल एनवायरनमेंट क्यों असर करेगा? तुमको वो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो सोसाइटी के हिसाब से हो। नाउ टेल मी वन थिंग, महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, हम गाय को पवित्र मानते हैं, वर्ल्ड के 58% करीबन गाय भैंस इंडिया में पाए जाते हैं, और आधे गधे पाकिस्तान में। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, गधे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो बोलने का तात्पर्य है, अपना सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैकडोनल्ड्स ने मेनू में बीफ रखा था मुंबई में, उनके आउटलेट में अटैक हुआ था कि बीफ कैसे बेच सकते तुम, तो मैकडोनल्ड्स इंडिया में बीफ नहीं रखता। हैदराबाद में आपको मिलेगा, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो लोग के लिए, बट मेजोरिटी इंडिया में, अच्छा वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में, 40 करोड़ लीटर दिन में दूध निकलता है, सीधा हिसाब है। हम गाय को पवित्र मानते हैं, गाय भैंस तो इंडिया में उनको मारा नहीं जाता, वही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बीफ तो मेजोरिटी लोग खाते ही हैं। तो इसलिए सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। आप कई बार नॉनवेज दुकान में जाओगे, बाहर लिखा रहता है नो बीफ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तो बैंड है, और हिंदू वाले बहुत क्लियर है कि हम बीफ नहीं खाएंगे, ठीक है? तो अपने कस्टम्स कैसे है, ट्रेडिशंस कैसे हैं, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी एक सिंपल सा बताता हूँ। इंडिया में 30 साल से कम 50% पॉपुलेशन, इसलिए तो मोबाइल, जीन्स, बाइक्स, फास्ट बाइक्स, ये सबका डिमांड ज्यादा है। तो अपना पढ़ाई भी बढ़ रहा है, वैल्यू, एथिक्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, क्यों? अच्छा इंडिया का 50% इलेक्ट्रॉनिक्स कब बिकता है? दिवाली में, लोग शुभ मानते हैं ना, धनतेरस में गोल्ड खरीदना, फिर गुड़ी पड़वा में कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना, घर या गाड़ी। तो अपना सोशल एस्पेक्ट ऐसा है, अच्छा गणपति के बाद श्राद्ध पक्ष होता है, गणपति और दशहरा के बीच में श्राद्ध पक्ष होता है ना, वहां पे लोग पूर्वज की पूजा पाठ करते हैं, उस समय पितृ पक्ष बोलते हैं, उस समय कोई भी नया वस्तु नहीं खरीदते। आप कितना भी मार्केटिंग कर लो, 90% इंडियंस उस टाइम में नहीं खरीदेंगे नया, तो उनका मान्यता है। तो आपका सोशल एस्पेक्ट कैसा है, सोशल ट्रेंड्स कितना है, आपका पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़, उसमें आधे 70 करोड़ तो 30 साल से कम है, यंगस्टर्स है, तो देश का तो प्रगति होना ही है। आपके वैल्यूज कैसे है, बिलीफ सिस्टम्स कैसे है, बजट सिस्टम के हिसाब से गांव में खर्चा कम है, शहर में ज्यादा है, ट्रेडिशंस।
ईद, क्रिसमस, दिवाली, आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसी टाइम बिकता है, बाकी टाइम में कम बिकता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, 1970s की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, खास करके उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंडिया को किसने कब्जा किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम में इंडिया में दो कंपनीज थे, एक था IBM और एक था कोका कोला, और कोका कोला बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, IBM उस समय का वर्ल्ड नंबर वन, जो एप्पल है ना आज, कंप्यूटर्स में एप्पल वर्ल्ड नंबर वन था। तो दोनों को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने हकाल दिया, लॉजिक भी करेक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्जा किया तो ये लोग दोनों, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस समय का था कि फॉरेन कंपनीज आते नहीं थे क्योंकि इंडिया आसानी से अलाउ नहीं करते थे। अच्छा, वक्त बीता, इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, फिर गुजरात, तमिलनाडु। 20% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स, वो सब तमिलनाडु, और ऑटोमोबाइल में तुम्हारा गुड़गांव, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये तीन चार ही जगह मेन पॉकेट्स है। आपको वेस्ट बंगाल साइड बहुत कम मिलेंगे गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स। तो अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अभी शिवसेना, पुरानी शिवसेना, नवे शिवसेना, कुछ तो चल रहा है ना। तो जो नवे कंपनीज है महाराष्ट्र में जब आने वाले थे, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आया तो कुछ लोग गुजरात चले गए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगता है। अभी यूपी में क्या हो रहा है, अयोध्या श्री राम जी की मूर्ति स्थापित होगी, January 1, 2024 को बोल रहे हैं, वहां पे फिल्म सिटी बना रहे हैं, वहां पे डू यू एग्री, पहले लड़कियों का छेड़खानी होता था, गुंडा राज था, अभी लोग कैसे सबको, सब टेररिस्ट, सब क्रिमिनल्स को, माफिया को मार रहे हैं ना लोग, तो वहां पे सेफ हो गया, डू यू एग्री? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट वहां बढ़ गया है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वो है जहां पे पॉलिटिक्स कैसा है। एक समय भारत में आपको कंपनी शुरू करना है तो 150 लाइसेंसेज अलग अलग प्रकार के, इनकम टैक्स, एक्साइज, तुम्हारा लोकल लॉज, शॉप एक्ट, इतने सारे, पोल्यूशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इतने सारे थे, तो लोग परेशान हो जाते थे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना टाइट था, अभी सिंगल विंडो, एक विंडो में जाओ, एक डॉक्यूमेंट दो, वो ऑटोमेटिक बाकी जगह चले जाता है, तुमको मल्टीपल जगह जाने की जरूरत नहीं रहा। अच्छा, डू यू एग्री, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, क्यों? कभी प्रेसिडेंट कोई है तो कोई मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है गवर्नमेंट को, कौन था, मुशरफ ना, मुशरफ है ना, इनकी डेथ हो गई, मुशरफ ने टेक ओवर कर लिया था। इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ ना कभी होगा, मिलिट्री वाले और पॉलिटिक्स दूर है, तो इसलिए बाहर के कंपनीज इंडिया में आना प्रेफर करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंडिया स्टेबल है, एट द सेम टाइम वर्ल्ड नंबर 5 है, जो हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखेंगे। सो आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी अब जब इन्वेस्ट करता है तो 1000 से 5000 करोड़ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, तो इतना पैसा लगा रहे, तो लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर कैसा है, पार्लियामेंट कैसा है, लॉ कौन बना रहा है, गवर्नमेंट कैसा है, क्या जुडिशरी और गवर्नमेंट अलग है। चाइना में एक दिक्कत ऐसा है कि एप्पल के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स किसने बनाए, फर्स्ट कॉपी बोलते हैं ना आजकल, तो चाइना में एप्पल के सपोर्ट में फैसला नहीं आता। अभी एक इंडिया में कोर्ट ने एप्पल, किसी ने पायरेटेड कुछ तो बनाया, एप्पल के सपोर्ट में फैसला दिया, नहीं एप्पल सही है। सो इंडिया का जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए फॉरेनर्स को भरोसा, इंडिया का लॉ सिस्टम सब बराबर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक मतलब पैसा अपने देश में कितना है। पहले तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स दूं, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है बताओ, 140 करोड़, ठीक है। इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, 268 लाख करोड़। इफ यू डिवाइड नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एक आदमी कमाता है 197,000 साल में, अपन वर्ल्ड नंबर 5 है, सबसे आउटपुट ज्यादा देने वाले, पहला कौन है वर्ल्ड में, अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, पांचवे अपन, और 2 साल में जर्मनी अपने पीछे हो जाएगा, 5 साल में जापान अपने पीछे हो जाएगा, 5-8 साल में अपन वर्ल्ड नंबर 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अपना मजबूत है, इसलिए तो बुलेट ट्रेन, वंदे एक्सप्रेस, सुना है 91 करोड़ की ट्रेन आती है, हर हफ्ते एक एक वंदे एक्सप्रेस निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में 4 वंदे एक्सप्रेस है, अगला वंदे एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में आ रहा है ये महीने।
सो 11वां वंदे एक्सप्रेस, तुमको लग रहा है 11 ट्रेन बहुत है, गवर्नमेंट ने बोला 500 ट्रेन ला रहे हैं हम वंदे एक्सप्रेस के, हर हफ्ते एक, और हर हफ्ते प्रोडक्शन होता है 3 ट्रेन का, फिर उसका टेस्टिंग होता है, हर हफ्ते अपन 3 ट्रेन बना रहे हैं, सोचो अपना स्पीड कितना गजब है। सो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत ऐसा है, पर कैपिटा इनकम इंडिया का मैंने कितना बताया था, एक आदमी कितना कमाता है, 197,000। इफ यू डिवाइड इनकम, नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, चाइना का कितना कमाता है एक आदमी, 9 लाख रुपए। अमेरिका में कितना कमाता है एक आदमी, 53 लाख रुपीज। सर हम अमेरिका जाएंगे, आया समझ में? क्यों अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, क्योंकि वहां का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। एप्पल फोन का एक हिसाब लगाया गया, इंडिया में 6 महीना काम करना पड़ेगा तब तुम एक आईफोन खरीद सकते, अमेरिका में आप 3 दिन काम करोगे तो आपको आईफोन का पैसा आ जाएगा, सोचो। इसलिए लोग डॉक्टर्स खास करके इंडिया के अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में फर एमबीबीएस को 50,000 मिलता है, अमेरिका में 5 लाख मिलता है महीने, 10 टाइम्स। बेटा तुम लोग कॉमर्स के, तुम लोग डॉक्टर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कर्जे का पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी, सिंगल विंडो बोला था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या टैक्स रेजिम क्या है, एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसा है, ठीक है, एडुकेशन पॉलिसी, अभी नया एडुकेशन पॉलिसी आ रहा है 2025 में, सो 10th और 12th हट जाएगा, 9th और 11th आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक सिस्टम में 3 प्रकार के सिस्टम है, कैपिटलिस्ट मतलब जैसे अमेरिका, गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं के बराबर, सोशलिस्ट चाइना रशिया, खुद गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करता है, इंडिया का इकोनॉमी मिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट भी है, ट्रेन गवर्नमेंट के अंडर आता है और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स आता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट मतलब ये सब वातावरण आपको असर करेगा और इन टर्न अपन वातावरण को असर करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। नाउ लेट अस कम टू टेक्नोलॉजी, अमेरिका में आपने कोविड का इंजेक्शन लिया, ठीक है, वैक्सीन लिया, आप होटल में जाओगे, वो बोलेगा वैक्सीन लिया क्या प्रूफ है, आप क्या करोगे, कागज? नहीं, अमेरिका में कागज दिखाते हैं, वो कागज निकाल के दिखाएगा, इंडियन रहेगा मस्त मोबाइल दिखाएगा। अमेरिका में इलेक्शन कागज कागज से होता है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होता है। अच्छा, अपना गूगल पे फोन पे, अमेरिका में गूगल ने गवर्नमेंट को बोला आप भी गूगल पे अपनाओ, जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, अच्छा वर्ल्ड के जो बैंकिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है, 80% सॉफ्टवेयर इंफोसिस का फिनेकल नाम का सॉफ्टवेयर है, सो वर्ल्ड के 80% बैंक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते, इंडिया का। सो अपना टेक्नोलॉजी कैसा है, अभी ने एक चैट जीपीटी सुना है, चैट जीपीटी एक नया कंसेप्ट है जिसमें वो आपको प्रोजेक्ट बना के देगा, आपको डाउट्स आया लिखा तो आपको आंसर ला के देगा, गूगल की तरह, गूगल से ज्यादा एडवांस लोग मान रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, रोबोटिक्स कैसा है, सो पहले क्या था, आप जाओगे एटीएम में कैश विड्रॉ करोगे, कैश विड्रॉ करोगे, कैश जमा बैंक के अंदर करते थे, अभी क्या आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन आ गया, पासबुक के लिए अलग आदमी बैठता था बैंक में, अभी वो भी हट गया, क्यों, पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई। सो टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रहा है, जैसे आपके मोबाइल पहले धीमे धीमे, में एक जमाने में जब मेरे पास नेट था 18 KB का काम था, 18 KB, 18 KB मतलब आप सोचो कितना टाइम लगेगा, 1 GB डाउनलोड करना है तो रात को डाउनलोड के लिए रखो, सवेरे या दोपहर तक हो जाएगा। और अभी जो वाईफाई है 150 MBPS का स्पीड दे रही है, ये 1.5 GB 3 मिनट में उड़ा देता है, 3 मिनट में पूरा भर देता है। सो बोलने का तात्पर्य यह, अपना जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोबाइल का यूसेज अपन ही करते हैं, ठीक है ना, और फ्री कर दिया तो तुम लोग पागल हो जाओगे, सब हाई डेफिनेशन में HD, ठीक है। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ है, अब डिजिटल इंडिया, एक और चीज अभी नेक्स्ट है ना, तुमने डिजी लॉकर सुना होगा, सुना है कि नहीं, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में तुम्हारे 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आधार कार्ड सब डिस्प्ले होता है, और लाइसेंसेस का रजिस्ट्रेशन और तुम्हारा लाइसेंस कॉपी, अभी हाई कोर्ट ने कंपलसरी कर दी, कंपलसरी मतलब पहले ट्रैफिक पुलिस नहीं मानते थे, कागज फॉर्म कार्ड आता है ना वो दिखाना पड़ता था, अभी तुमने डिजी लॉकर का वो दिखाया ना तो मानना पड़ता है। सो टेक्नोलॉजी अपन बहुत आगे आ गए हैं।
सो आई होप तुमको समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो टेक्नोलॉजी देश में कैसा है उससे भी बहुत असर होता है। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। इंडिया में हजारों कायदे, और प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानना है कि बहुत सारे कायदे यूजलेस भी है। तो अभी क्या कर रहे हैं अपना देश, जो जैसे कंपनीज एक्ट 56 था उसको बंद करके कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आई थिंक लाए, इनकम टैक्स एक्ट 61 था, इन डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं। सो ये जो अलग अलग आपके कायदे कैसे हैं, सख्त हैं क्या बहुत इजी है? कुछ गवर्नमेंट ने कायदे जो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे वो उड़ा दिए, ये अभी भी बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए अभी भी चल रहा है। तुम देखो ये एक दो आजादी के पहले का है, बाकी आजादी के बाद के हैं, और सबको गवर्नमेंट अपडेट कर रहा है। ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, 2018 प्रपोज है ना, 2019 आ गया है, कंपनीज एक्ट भी 2013 आ गया है, तो स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट जो है इसका भी नया कायदा, सब गवर्नमेंट अभी कायदे धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। तो अपना लीगल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और इफ यू चेक आउट सिगरेट का जो बॉक्स आता है इंडिया में, 80% वो कैंसर का फूट है ना थोबड़े का, बाकी वर्ल्ड में 50-20% है, इंडिया में ही 80% पड़ते हैं। आप टीवी में दारू के ऐड नहीं कर सकते, बोलते ना किंग फिशर, वो नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं सरोगेट ऐड, किंग फिशर मिनरल वाटर, एक्चुअली इसको सरोगेट, ये उल्टे तरीके से करते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और अपना लीगल एनवायरनमेंट ऐसा है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बीफ बैन है, इलीगली पकड़े गए वो मानते हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं है। सो अपना लीगल एनवायरनमेंट स्थिर और अच्छा है और इम्प्रूविंग है। अभी जैसे इनकम टैक्स एक्ट 61 में सब ऑनलाइन कर दिया है, तुम पहले क्या था, तुम जाओगे तुमको रिश्वत देना पड़ता था, अभी तो जाने की भी जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन, तुम रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल करो, तुम्हारा रिफंड तुम्हारे बैंक में आ जाएगा। कुछ क्वेरी आया तो तुमको ईमेल करेगा, उसको पता नहीं किसको भेज रहे हो, बहुत गजब हो गया अपना लीगल एनवायरनमेंट, और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया ना। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर में पहले जाकर जैसे तुम एंट्री करते थे, लोग डबल ट्रिपल कुछ करते थे, तो भी एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, फेशियल कैसे रिकॉग्नाइज करते पता है, ये पार्ट से ये पार्ट, तुम्हारा ये बोन, लिप्स, कान, ठीक है, आईज, ये दो आंख के बीच का डिस्टेंस, उसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करता है, क्या उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं? नहीं। तो तुम तुरंत ट्रैक हो जाओगे, और भविष्य में फिंगरप्रिंट हट जाएगा, थोबड़ा आ जाएगा, क्योंकि आयरिस तुम लेंस डाल के मैनिपुलेट कर सकते हो, पूरा चेहरा को कैसे करोगे, भविष्य के सब, ये मोबाइल जो मैं यूज करता हूँ या इसमें ना आईफोन में, ऐसे किया तो टक से चालू हो जाता है, तुम्हारे मोबाइल में भी होगा। आजकल ये फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बहुत आगे आ रहा है, जो कि टेक्निकल है बट लीगल लेवल पे भी, इनफैक्ट लीगल एनवायरनमेंट अपना इतना मॉडर्न आ गया है, कोर्ट ने तुमको नोटिस भेजा व्हाट्सएप में, और दो ब्लू टिक आ गया, इट इज प्रेज्यूम तुमने देखा है, और तुम बाद में बोल नहीं सकते मिला नहीं। सो व्हाट्सएप में फोटोग्राफ, बहुत सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं, व्हाट्सएप में जो मैसेजेस है वो लीगली वैलिड कोर्ट ऑफ लॉ में माने जाते, ईमेल सब डिजिटली वैलिड माने जाते। तो ये था आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 8 मार्क के लिए आएगा, आप हर एक, या तो फिर इसमें सोशल, नेचुरल, टेक्निकल, इंटरनल, ऐसे दो दो का सेट 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, हर जगह पे एग्जाम्पल डालना तो आपका काम हो जाएगा। आई होप ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पूरा समझ में आया, कैसे लिखना है मैंने बताया ना, ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और डी डायमेंशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ओके।